उस 440 वोल्ट वाले वाले लाइव वायर पर हमला है। आरएसएस को इस बात का अंदाज़ा नहीं, ये थाने का थानेदार का डिसीजन है रतन लाल को पकड़ने का, या वेल थॉट ऑफ नेशनल प्लान है जिसका जन्म स्थली नागपुर है कि दलित जो बकबक कर रहे हैं इनको चुप करो, महाराष्ट्र के दलितों को तो चुप करा दिया। हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि उसकी पुलिस फोर्स ने संविधान के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध काम किया है, प्रोफेसर रतनलाल जी को गिरफ्तार करके उनको तुरंत फुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अब इस देश के कानून और संविधान को चलाने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी में हूं जहां रतन लाल लोग को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, और किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है वो देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा कि सरकार रतन लाल की गिरफ्तारी के बाद कितना सचेत है। ये तस्वीरें देखिए, काफ़ी संख्या में युवा हैं, छात्र हैं, ये देखिए। रतन लाल जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रतन लाल जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रतन लाल जी को रिहा करो। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो लोग काफ़ी संख्या में हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और तमाम स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो आए हैं। लेकिन देखिएगा कि पुलिस की किस तरह की तैयारी है, काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए थे, तो लगता है कि ऊपर स्तर से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक बड़ी मैसिव तैयारी है। ये देखिए पुलिस वालों की, हम आपको डिप्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, ये गेट नंबर 4-3 पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है। उनको पता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर हैं, काफ़ी देश भर में फेमस हैं, पूरी दुनिया में फेमस है, और उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया है उसके बाद से इसके अपने अलग एक सरकमस्टांसेज भी हैं, एक अलग सरकमस्टांसेज भी होगा, और इस वजह से वो सरकार बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं है, तैयारी है। और काफ़ी संख्या में, देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, और बहुत ज़्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोगों की भरमार है, इस पुलिस वालों की चाक चौबंद व्यवस्था है। मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है, उनसे ये बात करते हैं। सर, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, इस गिरफ्तारी को? देखिए, प्रोफेसर रतन लाल को रात को 10:30 बजे अरेस्ट किया गया है, और उन्हें अरेस्ट किया गया उनके विचारों के लिए, विचारों के लिए अरेस्ट किया गया। और यह अरेस्ट मोरिस नगर थाने के इंचार्ज का डिसीजन नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार करने की का डिसीजन जो है वह लोकल पुलिस का नहीं है, यह हाई लेवल की प्लानिंग है। और रात को 10:30 बजे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या रात को टैंक बारूद गोले का वो इंतज़ाम करने जा रहे थे? तो देखिए, आरएसएस का यह हमला लाइव दलित वायर पर है, आरएसएस का यह हमला अंबेडकर बात पर है। रतन लाल बहाना है, अंबेडकर नामा असली निशाना है। आरएसएस जीभ से जीभ नहीं लड़ा सकता, शब्द से शब्द नहीं लड़ा सकता, वाक्य से वाक्य नहीं लड़ा सकता, वह दलितों से आर्ग्यू नहीं कर सकता। आरएसएस को कन्वर्सेशन, डायलॉग, डिबेट करना नहीं आता। वह आरएसएस हजारों साल से, आरएसएस के जो सवर्ण सत्ता के लोग हैं वह नॉन स्टॉप मोनोलॉग करते रहे हैं, अब लोग सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। तो दलित नेता सरेंडर कर चुके हैं, इस देश में एक भी ऐसा नेता नहीं हो जो खुल के बोल सके वो दलित नेता है। दलित आंदोलन 2 अप्रैल के बाद दब गए हैं, दलित इंटेलेक्चुअल्स यहाँ वहाँ कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं, तो
तो इसमें जो सबसे चर्चा में है आज, सबसे यंग है डॉक्टर रतन लाल, तो इसको सही कर दो तो बाकी लोग, छोटे मोटे लोग अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। तो यह अभी एक दोस्त बोल रहे थे कि उन्हें नहीं लगता था कि अंबेडकर बाद पर आरएसएस हमला करेगा, क्योंकि आरएसएस भारत की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सबसे पहले कब्जा किया, पार्लियामेंट पर कब्जा, पार्लियामेंट में आरएसएस की जो बीजेपी की जीत है उसे आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में अपनी इलेक्ट्रल जीत नहीं मानता है, उसको वह भारत देश पर अपना एक हमला मानता है और हमले के बाद जीत मानता है। तो जब सब लोग सरेंडर कर दिए हैं तो एक ये दलित लोग जो है ये अपनी जबान कब बंद करेंगे? तो इनमें जो सबसे पॉपुलर है उसको पकड़ो, बाकी लोग ठकाने लग जाएंगे। रास्ता क्या है फिर? रास्ता ये है कि डॉक्टर रतनलाल जैसे और लोग भी पैदा हों। डरना चाहिए या बोलना पड़ेगा और लोगों को एकजुट होना पड़ेगा? आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ देश भर से, सोशल मीडिया पर तो लोग लिख रहे हैं, इससे कुछ उम्मीद बन रही है? जरूर उम्मीद है। अरे दलितों ने, चमार रेजिमेंट ने हिटलर की सेना को हराया है, गुरु रविदास ने काशी में जो ब्राह्मणों की पीठ है उसको हराया है, महार भाइयों ने उधर मराठों को हराया है, ब्राह्मणों को हराया है, बाबा साहब ने गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निर्वस्त्र कर दिया, एक तो वह थोड़ा वैसे ही थोड़ा पहनते थे। तो आरएसएस क्या है? जिसके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। और आप ये आप इस लड़ाई को आप यही मत सोचिए, यही ख़त्म होने वाली है। दिल्ली विश्वविद्यालय से निकली चिंगारी ग्लोबल लेवल तक जाएगी, और इसका निष्कर्ष ये है, जब तक जिस तरह से साउथ अफ्रीका में, जब तक ओलंपिक ने, क्रिकेट ने साउथ अफ्रीका देश का बायकॉट करना नहीं शुरू किया, तो मात्र मंडेला साहब के संघर्ष से बात नहीं बनी। तो जब दुनिया में लोग आरएसएस के लोगों को पकड़ेंगे, इनके मुंह पर थूकना शुरू करेंगे, तब जा करके आरएसएस पीछे हटेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, उनके तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, आप बताइए पूरे देश में एक भी ऐसा नेता जो यह बोल रहा हो खुल करके, मैं दलितों का नेता हूँ, मैं चमारों का नेता हूँ, या मैं अनुसूचित जाति का नेता हूँ, कोई है? भय में पूरा दलित समाज है, भय में। किस बात का भय है? ना कुछ खोने के लिए, ना जमीन है, ना बिजनेस है, ना ब्यूरोक्रेसी, ना जुडिशियरी, ना मीडिया, ऐसे ही जिंदगी सड़क पर है, फिर क्यों डर रहे हैं? क्या ये मानसिक डर है? मानसिक नहीं, ये डर रियल है। आप किसी दलित ऑफिसर से जो भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो 4-5 ऑयल कंपनीज हैं, 30 साल की सर्विस वाले दलित को 56 लाख रुपए साल भर में मिलते हैं, अरबों रुपए जो दलितों को मिल रहे थे उसको आरएसएस ने दलितों की ऑक्सीजन की पाइपलाइन पकड़ ली है, पैर रख दिया उस पर। नौकरियां पहले ख़त्म कर दी जाए, दलित मिडिल क्लास को हैंडल करने के लिए अगर इनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए तो फिर कहां से रतनलाल पैदा होंगे, कहां से बाकी लोग पैदा होंगे? पेट पर हमला है पहले। हाँ, पहले इनका खजाना खाली करो, पेट भी नहीं, पेट तो पहले भी भर रहा था, खजाना खाली करो। और जो बहस करना चाहते हैं, जो आर्गुमेंट करना चाहते हैं, उनको इंसल्ट करो या जेल में डालो। जेल में तो बहुत सारे लोग गए थे, मैं भी जेल में 3 बार गया हूँ। रात को 10:30 बजे पकड़ना और सुबह 10 बजे पकड़ने में फ़र्क है। 10:30 बजे परिवार के सामने से अगर कोई थाने जा रहा है तो यह ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, यह इंसल्ट की बात है। और आरएसएस यही भाषा जानता है, और दलितों को आप कैसे भी हरा सकते हैं? रतन लाल पर नहीं, अंबेडकर बात पर हमला, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। बिल्कुल, यह उस 440 वोल्ट वाले लाइव वायर पर हमला है,
आरएसएस को इस बात का अंदाज़ा नहीं, ये थाने के थानेदार का डिसीजन है रतन लाल को पकड़ने का, यह वेल थॉट ऑफ नेशनल प्लान है जिसका जन्म स्थली नागपुर है, कि दलित जो बकबक कर रहे हैं इनको चुप करो, महाराष्ट्र के दलितों को तो चुप करा दिया, महाराष्ट्र के दलित कोई देखते हैं बोलते हुए, दूसरे शब्दों में कहें तो महाराष्ट्र के दलितों की आरएसएस ने नसबंदी कर दी, अब उनसे कुछ पैदा नहीं हो सकता। क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए, अब क्या है रास्ता, क्या मौत ही रास्ता है, संविधान खत्म होगा या कोई रास्ता बच रहा है? बस रास्ता यही है कि अब इस आंदोलन को ग्लोबल लेवल पर ले जाया जाए, और इसलिए हम कह रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, जब तक विदेशों में कोई हिंदू बोले और 10 लोग थूकने वाले न निकल पड़े, सफ़ेद सफ़ेद चमड़ी वाले और ब्लैक चमड़ी वाले, तब तक आरएसएस इस देश को छोड़ेगा नहीं। तो देखिए, दुनिया की राजनीति को समझने वाले महान शख्सियत है मेरे साथ, ये कह रहे हैं कि रतन लाल की गिरफ्तारी जो है, मैं वही दिखा रहा था, एक प्लान्ड गिरफ्तारी है, और ये डॉक्टर रतन लाल पर नहीं, पूरा बहुजन समाज, अंबेडकरवाद, सोशल जस्टिस, फूले पेरियार, अंबेडकर की विचारधारा पर हमला है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया दीजिए, फिर तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि क्या एक इंडिविजुअल की गिरफ्तारी के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है, वो तस्वीरें फिर दिखाता हूँ आपको। ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको कि किस तरह से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, और इसलिए चंद्रभान प्रसाद कह रहे थे कि ये पूरा जो हमला है, ये अम्बेडकर बात पर हमला, ये बड़ी बात कही है उन्होंने कि किस तरह से अम्बेडकर बात पर हमला है ये। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल तस्वीरें हैं, और किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से पुलिसिया इंतजाम किया गया है, उसको लेकर साफ है कि अब जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात करेगा वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, ये मैसेज दिया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। सर, प्रोफेसर जी कह रहे हैं, उनकी तरफ से जानकारी आई कि वो जेल से बाहर आएंगे। हाँ जी, एक सूचना आई है प्रोफेसर जी की तरफ से कि वो जेल से जब बाहर आएंगे तो बौद्ध धर्म अपनाएंगे। देखिए, बौद्ध धर्म अपनाएंगे वो तो कोई बात नहीं, हम भी अपना लेंगे, अपनाने में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि बौद्ध धर्म अपनाने से खाली इन मनुवादियों को के खिलाफ जो लड़ाई है वो सशक्त नहीं होगी, आपको संविधान को अपनाना पड़ेगा, संविधान 40 को चलाना पड़ेगा। एक एक नौ अपने SC ST के लोगों को जो अभी मंदिरों में जाते हैं, जो इनके लिए वो माता की आते हैं, हमारी माता है बहनें, वो जागरण करती हैं, वो करती हैं, उनको संविधान बताना पड़ेगा कि ये जागरण करने का अधिकार भी संविधान ने दिया है, इस संविधान से पहले तुम्हें इन माताओं के मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, तुम्हें पानी लेने की इजाज़त नहीं थी, इनके देवी देवता तुम्हें मिलने को तैयार नहीं थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काला राम मंदिर का मूवमेंट नहीं चलाते तो इस देश के राम श्याम भगवान माता पिता इनके मंदिरों में हमें आने जाने की इजाज़त नहीं थी। उनको समझाना पड़ेगा कि इस देश का संविधान लागू होने के बाद तुम्हें मंदिरों में आने की इजाज़त मिली है। जो रतन लाल ने जिस पोस्ट के लिए गिरफ्तारी हुई है वो अभी ऑथेंटिक नहीं हुआ कि वो शिवलिंग ही है, तो फिर भावनाएं आप कैसे हो गए? नहीं, देखिए, भावनाएं भी आहत का तो सवाल नहीं है, हमारी भी तो आहत हो रही है, पिछले हम SC ST के लोग पिछले हजारों कितने वर्षों से इनकी हम प्रताड़ना से सहते आ रहे हैं, हमें कोई अधिकार नहीं थे, मानवीय अधिकार नहीं, पीने का पानी का अधिकार नहीं, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं, सड़कों पर आने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, और तो और हमें अगर हम गलती से जिन भावनाओं की बात कर रहे हैं ना, अगर हम कोई इनका वो भजन सुन लें, इनका हम कोई अगर इनके वेदों की कोई कहानी सुन लें, तो हम गलती से चलते हुए भी तो इनका प्रावधान था कि हमारे कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल देते थे, हमने गलती से किसी भगवान का नाम ले दिया तो हमारी जवान काट देते थे। तो इसलिए देखो, संविधान, भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं इस देश में भगवान को मानने से लेकर सारी चीजें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लाल जी के जिस फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी हुई है, जिस बापी मंदिर को लेकर उन्होंने लिखा है, वो अभी साबित ही नहीं हुआ है कि शिवलिंग है, तो फिर भावना कैसे हाथ हो? वो आपकी बात, देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल। और दूसरी बात, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया, सबसे पहले जो वर्शिप वो एक्ट है 1991 का, पहले तो उसको जज को ये कहा कि पहले उस पर सुनवाई करो, क्योंकि वो उसके दायरे में आता है, कि क्योंकि जब वो बना था तो राम मंदिर को खाली अयोध्या के उससे बाहर रखा था, बाकी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी 26 जनवरी 1950 से पहले के जो भी धार्मिक स्थल बने हुए उनका जो भी नाम है
या जो भी इसमें ढांचा है उसको बदला नहीं जाएगा। तो जो उसने जज ने वहाँ पर किया था, सेशन जज ने जो भी उसको सुनने से मना किया, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया उसके आधार पर, जबकि ना तो ये साबित हुआ कि शिवलिंग है, और उसके और ये भी हो गया कि पहले वर्सी पैक्ट में सुनवाई होगी। तो जब तो ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल तुरंत इनको प्रोफेसर साहब को रिलीज करना चाहिए, और हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि उसकी पुलिस फोर्स ने संविधान के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध काम किया है, प्रोफेसर रतनलाल जी को गिरफ्तार करके उनको तुरंत फुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अब इस देश के कानून और संविधान को चलाने की स्थिति में नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है कि जिस बापी मस्जिद के को लेकर प्रोफेसर रतनलाल ने ट्वीट किया है, दरअसल अभी कोर्ट ने या किसी वैज्ञानिक पद्धति ने यह साबित नहीं किया है कि वो शिवलिंग है, और जब वो शिवलिंग अभी साबित ही नहीं हुआ है तो फिर भावना हाथ होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको बता दिया, लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि हमला ये गिरफ्तारी रतनलाल पर नहीं है, ये फूले पेरियार अम्बेडकर की जो विचारधारा है उस पर हमला है। वो मुखर थे, वो अम्बेडकर नामा चलाते थे, वो सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, और शायद इसी वजह से उनको गिरफ्तार करके एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि जो भी सोशल जस्टिस की बात करेगा वो हवालात में जाएगा। क्या आप इन बातों से सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।